सो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू द सिविल्स तो आप सब लोग कैसे हो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग गुड और uh, क्या नाम है आप सबको पता होगा कि बी पी एस सी प्रॉब्लम्स का रिजल्ट आ चुका है और उन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को द सिविल्स की पूरी टीम की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बस आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आपका यू नो फाइनल रिजल्ट फाइनल सेलेक्शन में भी आपका नाम आए तो फ्रेंड्स अब जैसे कि बी का प्रिलिम्स का रिजल्ट uh, आ चुका है तो अब इसी को ध्यान में रखते हुए द सिविल्स अपना मेन्स एनरिचमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है जिसको हम वैसे कहते हैं बी पी सुपर ट्वेंटी ओके सो बी पी सुपर ट्वेंटी लॉन्च कर रहा है आपका द सिविल्स हमारा पहला बैच लास्ट ईयर काफ़ी सक्सेसफुल था आप देख सकते हो सबके हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक क्या थे कैसे रहे क्या नहीं तो उसी तरह से इस बार भी हमारा वही टारगेट है सुपर ट्वेंटी बीस बच्चों को हम पूरा अपना पूरा अपने तरीके से फोकस होके के उन पर हम भी मेहनत करेंगे और वो भी मेहनत करेंगे ठीक है तो अब लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस हमारे बी पी एस सी सुपर ट्वेंटी की क्या यू you नो know, ऐसी क्या खासियत है ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसको मतलब आप सोचोगे कि हमें ये ज्वाइन करना चाहिए तो सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे हम आंसर राइटिंग सिखाते नहीं हैं हम आंसर राइटिंग इम्प्रूव करवाते हैं बिकॉज़ हमारा मानना ये है कि जो बच्चा भी तैयारी कर रहा है या जो पढ़ रहा है और जिसने अपना प्रिलिम्स क्लियर करके मेंस में जो तक जो पहुँचा है तो उन सभी बच्चों के पास इतनी नॉलेज होती है सफिशेंट कि वो बहुत आराम से अपने आंसर्स लिख सकते हैं बट दिक्कत क्या आ जाती है कि उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए किस तरह से उनको लिखना चाहिए उनका क्या यू you नो know, मतलब उनकी क्या चीज़ें उनके मतलब एक आंसर का फ्रेमवर्क बनाना कैसा होना चाहिए क्या चीज़ें हैं तो उनको हम ये चीज़ें इस पर हम काम करेंगे ये चीज़ें हम सिखाएंगे बाकी उनके पास नॉलेज होती है ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है आप लोगों के पास आप लोगों के पास नॉलेज है सब कुछ है आपके बस हम वो वी बिलीव इन डेवलपिंग दो स्किल्स हम वो स्किल्स डेवलप कराएंगे डेवलप कराते हैं जिससे कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का कोई भी आंसर लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है वो स्किल्स एक बार आप जब आप में डेवलप हो जाएगी ना जो धीरे 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 जो आप डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से हमारे जुड़ोगे और डेली आप आंसर्स लिख के सबमिट करोगे एवेल्युएशन होगा चीज़ें होंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ बढ़ता जाएगा और वो आपके आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप होते जाएंगे राइट तो सबसे पहले तो मंडे टू फ्राइडे हम क्या करते हैं मंडे टू फ्राइडे वी डू आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ओके okay. जहाँ पे डेली ग्रुप में आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे आपको क्या करना है आपको उस पर आंसर्स लिख के हमें सबमिट करने हैं वो वो क्वेश्चन वो फिर आपके आंसर्स इवेलुएट हो जाएंगे एंड ऑल दैट ठीक है उसके बाद क्या आता है सैटरडे संडे तो सैटरडे संडे को भी कंडक्ट टेस्ट हम टेस्ट लेते हैं जी एस वन जी एस सबका ऐसे का टेस्ट होता है तो हर एक चीज़ के टेस्ट होते हैं जो भी टेस्ट होगा वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट होता है टेस्ट में भी हम एक होता है हमारा जी मिनी टेस्ट और एक होता है फुल लैंड टेस्ट तो मिनी टेस्ट सिर्फ डेढ़ घंटे का होता है उसमें कम क्वेश्चन होते हैं चार क्वेश्चन होते हैं उसके पीछे यू नो हमारा ये वो रहता है कि कभी कभी बहुत सारे बच्चे वर्किंग हैं महिलाएं वर्किंग हैं या हाउस वाइफ्स हैं या बहुत सारी सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं तो एक साथ इकट्ठा हर वो तीन घंटे का टाइम नहीं, नहीं निकल नहीं निकल पाता है इसीलिए शॉर्ट मिनी टेस्ट होते हैं जहाँ पे एटलीस्ट आपको चार क्वेश्चन दिए जाते हैं और डेढ़ घंटे में आपको वो क्वेश्चन करने हैं तो उससे भी आपको वो चीज़ें अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बेनिफिट करता है ठीक है इससे क्या होगा कि आप एक तो रेगुलरिटी बनी रहेगी आपको कभी ये नहीं लगेगा कि अरे यार तीन घंटे में कैसे निकाल ये है जो भी है कभी कभी समय की वो सब पास थोड़ी समय का क्राइसिस होता है तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी सॉल्व हो जाएगी ठीक है तो आपका यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट भी होगा तीन घंटे का भी होगा डेढ़ घंटे का भी होगा ठीक है और वो सारी चीज़ें जिस हिसाब से सारे स्टूडेंट्स होंगे उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं बेसिकली शाम को ही टेस्ट होते हैं क्योंकि शाम को ऑलमोस्ट हर कोई फ्री रहता है कोई वर्किंग है कोई हाउस वाइफ है या किसी के पास अपने कुछ भी काम है तो वो चीज़ें शाम को बेसिकली हमारे टेस्ट कंडक्ट होते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है कि हम जूम आ, लाइव जूम सेशंस लेते हैं जूम सेशंस पे भी हम टेस्ट कंडक्ट कराते हैं क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कभी कभी आपको जैसे मान लो पेपर दे दिया तीन घंटा तो आप क्या करते हो कि स्टूडेंट्स अपनी सहूलियत से उसको लिख के सबमिट कर देंगे या चक आप भी दे देंगे ज़ूम सेशन में क्या होता है आप लगातार तीन घंटे का हमारा सेशन होता है उसमें तीन घंटे के तीन घंटे आप पूरा बैठ के एकदम प्रॉपर एग्ज़ाम में जैसे टेस्ट लिखते हो तो आप वैसे टेस्ट लिखोगे तो वो भी वहाँ पे आपको वहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा आपका फोकस क्लियर होगा और आप कितना पेपर अटैम्प्ट कर पा रहे हो कहाँ क्या कमी आ रही है तो ये सारी चीज़ें उसके थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं और दूसरी बात यहाँ पे जो हमारा आपको भी मालूम है कि जी एस वन जी एस टू स्पेशली जी एस टू में क्या होता है कि बहुत सारे करंट इश्यूज आते हैं हॉट टॉपिक्स होते हैं उस पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं लास्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ हुआ था तो बहुत सारे आप, आप आ, जो हमारे बैच के बच्चे हैं जो हमने आंसर्स करवाए थे क्वेश्चन करवाए थे उनको एग्जैक्टली exactly वही वही क्वेश्चन यू नो एग्ज़ाम में भी मिले तो दे वर वेरी हैप्पी कि अरे मतलब लाइक होता ही है कि आपने जो प्रैक्टिस कर रखा है वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिल जाएँ तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है तो वो सारी चीज़ें हम उस तरह से यू you नो know, क्या कमीशन का अप्रोच है क्या कमीशन पूछेगा या क्या टेंटेटिव चीज़ें आ सकती हैं तो हमारा पूरा अप्रोच उसी बेसिस पे रहता है हम उसी बेसिस पे अपना जितना भी हमारी यू नो क्वेश्चन होते हैं वो वैसे ही बनते हैं और हमारे जो मेंटोर हैं वो ऑलरेडी उनके पास यू you नो know, बहुत अच्छे से वो पेपर एनालाइज़ करते हैं ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं और आ, किस तरह से यू you नो know, उस ट्रेंड के बेसिस पे अब आने वाले इस यू नो बीपीएससी में क्या पूछा जाएगा या क्या आ सकता है तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यू नो सेग्रीगेट करके आ, हम बनाते हैं तो जिससे आपका यू you नो know, तो सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आपका जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है ओके okay? आपको यहाँ पे मेंस एनरिचमेंट के कॉन्टेंट uh, मिलते हैं आपको कंटेंट मिलेगा ऑडियो uh, लेक्चर्स मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे डाउट क्लियरेंस होगा तो हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में दी जाती है और इसी में फिर वी ऑल्सो इंक्लूड एस से इस मीन्स एंड प्रोग्राम में एस भी इंक्लूडेड है अब क्योंकि बी में ऑप्शनल रिमूव हो चुका है एस से ऐड हुआ है ये सारी चीज़ें तो एस का भी अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा यू नो uh, you know, आपके ओवरऑल मार्क्स डिसाइड करने में तो ऐसे का आपको कोई टेंशन नहीं है ऐसे ऑलरेडी आपको जो ऐसे के हमारे मैंटोर हैं वो यूपीएससी के टॉप स्कोरर रहे हैं ऐसे में उनके पास बहुत अच्छे से आ, यू नो वो अपनी सारी स्किल्स अपनी सारी नॉलेज अपनी हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी यू नो टॉप स्कोरर बन पाएँ और आपके भी ऐसे में अच्छे नंबर्स आ पाएँ आपका क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए कभी आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई टॉपिक आ जाता है यू नो एग्ज़ाम में ऐसे में तो उस टॉपिक को किस तरह से आपको डील करना चाहिए और किस तरह से क्या एक अप्रोच होना चाहिए जब आप एक ऐसे लिखते हो और किस तरह से यू you नो know, अगर ऐसे का टॉपिक दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आपको फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो कि आपके यू नो ओवरऑल ऐसे को लिखने में बहुत यू नो इम्पैक्टफुल रहता है और आपके ऐसे के भी जो जितने भी अगर हमारे जो भी हमारे पास एनरिचमेंट यू नो कंटेंट होगा वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी यू नो मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में मिलेंगी प्लस इसके साथ आपको क्या मिलता है इसके साथ आपको मिलेगा यू नो पर्सनल गाइडेंस मिलेगी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी उसके बाद काउंसलिंग uh, भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग काउंसलिंग भी मिलेगी एंड देन जो ऑलरेडी यू नो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बीपीएससी में जो ऑफिसर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो भी आपको अपने यू नो एक्सपीरियंस और अपनी स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर करेंगे वन ऑन वन उनसे भी हमारा कॉन्वर्जेसन होगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी जिस तरह से जो भी होगा हर एक चीज़ का यू you नो know, आपको प्रॉपर सोल्यूशन uh, दिया जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी यू uh, नो you know, uh, सारी हमारे मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम में जो बीपीएससी का है इसमें कवर हो जाएंगी और इन केस अगर आपको देखना है कि यू नो व्हाट किस बेसिस पे हम आंसर्स इवेलुएट करते हैं और हमारा क्या यू नो इवेलुएशन प्रोसेस रहता है फ़ीडबैक कैसा रहता है तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल द uh, सिविल्स पर जाके देख सकते हो जहाँ पर ऑलरेडी ऐसे राइटिंग ग्रुप चल रहा है जहाँ पर इट्स अ फ्री इनिशिएटिव वहाँ पर हर कोई जो भी आप भी अपना आंसर्स लिख के हमें देख सकते हो और वो आपके आंसर एवेलुएट हो जाएंगे तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट चेक इट ऑन टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ठीक है और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू नो नंबर फोन नंबर दिए हुए हैं आप इस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप देख सकते हो क्या किस तरह से क्या चीजें हैं क्या नहीं है ओके सो और एज़ इट इज़ कि हमारा ये सुपर ट्वेंटी है तो हमारे पे सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं और एडमिशन अभी चल रहे हैं और uh, क्या नाम है अगर आपको एडमिशन लेना है आप सीरियस हो तो आप इस नंबर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो कोई क्वेरी भी हो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो सो दैट्स इट सो हरी अप गाइज एंड जॉइन आर द बी पी एस सी मेन्स एनरिचमेंट प्रोग्राम एंड सुपर ट्वेंटी बैच और उसके बाद डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और जॉइन आर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको ऐसे ही यू नो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे कॉन्टेंट बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी तब तक के लिए बस कुछ नहीं पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए और बस मेहनत करते रहिए मोटिवेटेड रहिए और बस अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहिए थैंक यू